टाटा नेक्सॉन 2024 के इस वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम आपको ये नहीं बताएंगे कि नेक्सॉन कैसी है, नेक्सॉन के कोई ओवरव्यूज या फिर रिव्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो फैक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स वो आपको इस वीडियो के अंदर नजर आएंगे। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को एंड तक देखोगे, क्योंकि वीडियो का टॉपिक होने वाला है अगर आप नेक्सॉन को बाय करना चाहते हो 2024 के अंदर तो आपको कौन से स्टेप्स सबसे पहले उठाने चाहिए, कौन से वेरियंट्स को सबसे पहले देखना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए, और हर एक वेरिएंट वाइज, इंजन ऑप्शन वाइज हम गियरबॉक्स वाइज भी बात करने वाले हैं, इंक्लूडिंग द प्राइसिंग, और हम रैंक भी देंगे कि कौन सी रैंक पे कौन सा वेरिएंट आएगा इन टर्म्स ऑफ बाइंग रिकमेंडेशन। तो जो रैंक वन वाला है वो सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है हमारी ओर से, तो ऐसी चीज़ होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। खैर, सबसे पहले 1.2 वाला जो टर्बो पेट्रोल आता है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, उसके साथ में बात करें तो सबसे पहले रैंक वन पे आता है स्मार्ट वाला वेरिएंट, जो कि 5-स्पीड मैनुअल के साथ में आएगा। ये उन लोगों के लिए जिनका बजट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है या फिर ज़्यादा अलाउ नहीं करता है टू गो ऑन दी हायर वेरिएंट्स, उन लोगों के लिए मतलब जो स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट्स है इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट्स वहाँ पे बेहतर रहेगा। रैंक टू की बात करें तो वहाँ पे क्रिएटिव वेरिएंट आता है 10.99 लैक्स एक्स शोरूम प्राइसिंग के साथ में। सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट तो नहीं है, बट स्टिल ऑफर्स बेटर बैलेंस ऑफ फीचर्स एंड वैल्यू कंपेयर्ड टू दी अदर वेरिएंट्स यू कैन बाय। उसके बाद रैंक थ्री की अगर बात करें तो रैंक थ्री पे आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट दो वेरिएंट है हमारे पास, फियरलेस प्लस और फियरलेस प्लस के साथ में एस, 12.99 से लेकर 13.49 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे ये दोनों वेरिएंट। और इनके लिए जिनको सबसे ज़्यादा फीचर्स चाहिए गाड़ी के अंदर उनके लिए भी है, मतलब क्योंकि ऑफर्स बेटर वैल्यू फॉर मनी देन मोस्ट ऑफ दी अदर वेरिएंट्स, क्योंकि ये फियरलेस प्लस एस वाला वेरिएंट जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपको देगा इन टर्म्स ऑफ फीचर्स या फिर ओवरऑल हर किसी की बात कर लो। तो अब बात करते हैं पेट्रोल के अंदर ऑटोमेटिक की, अभी हमने बात करी मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, तीन रैंक दिए हमने, उसके बाद दो रैंक दे रहे थे एएमटी के अंदर। सबसे पहला है क्रिएटिव 11.69 लैक्स एक्स शोरूम, अगर आप लेना चाहते हो फीचर्स वाइज पसंद आता है तो, वरना हमारी रिकमेंडेशन है कि अगर आप एएमटी के साथ में नहीं जाना चाहते हो तो फिर वैल्यू फॉर मनी आपका वो मैनुअल ट्रांसमिशन वाला फियरलेस प्लस एस ही रहने, मतलब वो ही रहने वाला है। खैर, इस पे एएमटी में सेकंड नंबर के रैंक की बात करें तो क्रिएटिव प्लस एस है, जो कि 12.89 लैक्स एक्स शोरूम के अराउंड आएगा अगर आपको सनरूफ चाहिए। जो क्रिएटिव प्लस हमने आपको बताया अभी ऑटोमेटिक एएमटी के साथ में, उसके ऊपर आपको एडिशनली सनरूफ चाहिए क्रिएटिव प्लस एस ले सकते हो ऑलमोस्ट 13 लैक्स के अंदर। डीसीटी ऑटोमेटिक की बात करें तो रैंक वन पे है क्रिएटिव 12.19 लैक्स एक्स शोरूम, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये आपको देखने को मिलेगा एएमटी के साथ में भी या कोई भी आप यू कैन बाय, मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको अदर वेरिएंट्स के साथ में। सेकंड नंबर पे रैंक, मतलब जो सेकंड नंबर के रैंक के ऊपर है वो है फियरलेस प्लस एस, 14.69 लैक्स एक्स शोरूम जाएगा। फॉर दोज हु वांट ऑल द फीचर्स ऑफर्स बेटर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट देन मोस्ट ऑफ दी अदर वेरिएंट्स, ऐसा इसलिए क्योंकि डीसीटी के अंदर आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट चाहिए तो ये फियरलेस प्लस एस होने वाला है। और डीसीटी के अंदर हमने सिर्फ दो ही रैंक आपको प्रोवाइड करे हैं। उसके बाद अगर डीजल वगैरह की भी बात करें तो डीजल के साथ में आप अपने ओर से बताओ कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद आता है या फिर आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, क्योंकि हमने तो पेट्रोल ऑटोमेटिक एएमटी और डीसीटी ऑटोमेटिक के अराउंड हमने आपको बता दिया। डीजल के अंदर भी कई सारे ऐसे वेरियंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, स्टिल उनमें से कुछ वेरियंट्स की बात करें तो क्रिएटिव प्लस हो गया, वो आप ड्यूअल टोन या फिर डार्क एडिशन के साथ में भी ले सकते हो ऑलमोस्ट 14.70 लैक्स के अराउंड वो आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्सॉन का क्रिएटिव प्लस भी आता है ऑलमोस्ट 14 लैक्स में मिल जाएगा। इन शॉर्ट जो चीज़ मैंने आपको अभी पेट्रोल के साथ में बताई वही सेम वेरिएंट आप उठा के देख लो डीजल के साथ में, सेम वैल्यू फॉर मनी वाली डील वो सारे वेरियंट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें एक चीज़ कॉमन है, जितने वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स हमने पेट्रोल में आपको बताए फिर वो मैनुअल हो एएमटी हो या फिर डीसीटी हो, वो सारे के सारे वेरिएंट्स आपको डीजल के साथ में ऑटोमेटिक हो या मैनुअल हो आपको वैल्यू फॉर मनी ही दिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइनअप ही पूरा ऐसा क्रिएट कर रखा है टाटा मोटर्स ने, तो इस वजह से आप जो कोई भी वेरिएंट देखोगे वो सारा आपको उसी के अराउंड देखने को मिलेगा, और यही एक खासियत है और या फिर बोल लो यही एक डाउनसाइड है जहाँ पे लोगों ने सोचा था गाड़ी के लॉन्च होने के बाद कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर प्राइस जा रही है। ऐसा इसीलिए हो रहा था क्योंकि डार्क एडिशन के साथ में डीजल ऑटोमेटिक अगर आप लेने जाते थे तो वो 15.5 एक्स शोरूम जाता था, तो ये सारे चीज़ों के चलते हमने मतलब ओवर प्राइस तो नो डाउट है, लेकिन XUV300 फेसलिफ्ट आने वाली है बहुत ही जल्दी, कॉम्पिट
मतलब इसको कंपटीशन देने के लिए, और उसके साथ में और भी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दी नेक्सॉन। लेकिन नेक्सॉन के अंदर डीजल के अंदर स्टिल मोटा मोटी तौर पे अगर वेरिएंट्स वाइज बात करें तो आपको क्रिएटिव प्लस हो गया, क्रिएटिव प्लस के साथ में सनरूफ वाला एडिशनल फीचर हो गया, फियरलेस प्लस हो गया, फियरलेस प्लस एस हो गया, वो सारे वेरिएंट आप डीजल के साथ में भी ले सकते हो मैनुअल के साथ में। ऑटोमेटिक के साथ में आप डार्क एडिशन पे जा सकते हो, क्योंकि डीजल ऑटोमेटिक अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो फिर आपका शायद बजट एक्सटेंशन हो चुका होगा या फिर आपका बजट अलाउ कर रहा होगा आपको, तो इस वजह से डार्क एडिशन पे आप स्विच हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो वेरिएंट मिल रहे हैं वो मतलब वो भी अच्छी खासी डील ऑफर कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डीजल के अंदर हमें जो लगे वो है फियरलेस प्लस या फिर फियरलेस प्लस एस, क्रिएटिव प्लस क्रिएटिव, वो सारे वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हमें लगे हैं। फिर उसके अंदर एडिशनली ड्यूअल टोन आ गया, सनरूफ के साथ में कुछ एक फीचर आ गया और नया वेरिएंट दे दिया, ऐसे तो कई सारे वेरिएंट्स हो जाएंगे। टोटल गाड़ी के 16 वेरिएंट्स हो जाते हैं और ऑलमोस्ट 6 इंजन ऑप्शन के साथ में गाड़ी आती है, तो इस वजह से हम आपको कन्फ्यूज नहीं करना चाहते। जो हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताया वो हमारी ओर से रैंक 1 से लेके ऑलमोस्ट रैंक 3 या रैंक 4 तक सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट थे, उनके बारे में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। क्रिएटिव, क्रिएटिव प्लस, फियरलेस प्लस, फियरलेस प्लस एस और डीजल के साथ में एक्स्ट्रा एडिशनली डार्क एडिशन के ऊपर जा सकते हो, स्मार्ट या फिर प्योर के ऊपर भी जा सकते हो। और एक चीज़, ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए था जिनका बजट जो है वो सबसे ज़्यादा टाइट होता है या फिर स्ट्रिक्ट होता है या फिर 15 से ऊपर अलाउ नहीं करता है, खास करके उन लोगों के लिए आज का वीडियो था। क्योंकि कई लोगों ने सोचा होगा कि ऐसे वेरिएंट हमने रेकमेंड क्यों नहीं किए जो कि 16 लाख से ऊपर वाले थे। हमने जानबूझ के ऐसा इसीलिए किया क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जो स्पेंड करता है 16 लाख या फिर उससे ज़्यादा, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्सॉन के बदले कोई और बड़ी सी एसयूवी प्रेफर करता है। फॉर एन एग्जांपल क्रेटा हो गई, या फिर उससे ऊपर थोड़ा सा बजट जा रहा है तो फिर हैरियर का बेस से ऊपर वाला वेरिएंट वो लोग लेते हैं। और इसी वजह से हमने नेक्सॉन के 16 लैक्स या फिर उससे ज़्यादा वाले वेरिएंट को आपके लिए रेकमेंड नहीं किया है। तो इस वजह से आपका बजट या फिर आपकी कंडीशन को सोच समझ के ही ये वीडियो बन रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि टॉप एंड के वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी नहीं है, वो भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन हमारा वीडियो जो था वो वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट का सजेशन देना एज पर दी बजट। तो इस वजह से बजट सबसे बड़ा की रोल था इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और आई होप आपको वो चीज़ आपको समझ में आई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने ऑटोमोटिव मतलब अपने ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वो भी किसी और को जेन्युइन रेकमेंडेशन या फिर सजेशन दे पाए। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ऐसे ही आपको हर रोज़ वीडियोस चैनल के ऊपर अपलोड होते हुए देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।